आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न जियोलाइट जो आयन विनिमय क्षमता दर्शाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो मुख्य विधि परमुटेट विधि होती है वहां पर जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो जियोलाइट का प्रयोग है वो मैं लिखता हूँ, क्यों किया जाता है जियोलाइट का प्रयोग, जो जल की स्थायी कठोरता होती है, ठीक, जल की स्थायी कठोरता, ठीक है, स्थायी कठोरता दूर करने की जो मुख्य विधि है, दूर करने की मुख्य विधि नाम क्या है उसका, परम्यूटेड विधि, ठीक है, मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है, ठीक है। अब परम्यूटेड विधि जो होता है इसमें प्रयोग क्या होता है, जियोलाइट का, सोडियम जियोलाइट का, ठीक है, जो बोलते क्या है, परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ परम्यूटेड, क्योंकि परम्यूटेड विधि में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जियोलाइट, और वो सोडियम का जियोलाइट प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट, जिसका सूत्र क्या है, Na2Al2Si2O8.XH2O, ठीक है, नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, रासायनिक नेम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। तो जो परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट है उसको Na2Al2SiO8.XH2O को कहते हैं, को कहते हैं, ठीक है। जो परम्यूटेड होता है वो क्या होता है कि परम्यूटेड होता है, ठीक है, परम्यूटेड क्या होता है, जल में अविलेय ठोस पदार्थ है, जल में अविलेय यानी कि घुलने घुलता नहीं है, ठीक, ठोस पदार्थ है, और उसमें क्या होता है, बेसिक धना, बेसिक मूल को यानी कि धनायनों का विनिमय, का विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना जिसको बोलते हैं, ठीक है, अदला बदली, ठीक है, करने का गुण होता है, गुण होता है। अभी मैं अभिक्रिया लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम विनिमय की बात करें, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, तो जैसे हमारा Na2Al2Si2O8.XH2O है, ठीक है, परमुटेड, और कैल्शियम का कोई आयन है तो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर हम जेड बोल दें, इसको पूरे को, ठीक है, तो Na2Z हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या, ये जेड क्या होगा, एक्सचेंज होके कैल्शियम के पास चला जाएगा पूरा, और Na अलग हो जाएगा। Na किससे जुड़ेगा, अगर कैल्शियम के पास कुछ भी होता, क्लोरीन होता या सल्फेट होता, तो उसके साथ सोडियम जुड़ जाता, तो विनिमय हो रहा है किसका, आयन का, ठीक। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा CaAl2Si2O8.XH2O+2Na+, ओके। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम लेते तो यहाँ पर मैग्नीशियम का आता है MgAl2Si2O8.XH2O, ठीक। तो यहाँ विकल्प हमारा क्या क्या दिया गया, एक आयन विनिमय रेजिन है, गलत, ये भी हमारा गलत, एक सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, ठीक है, कह रहा है एक सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, जियोलाइट का जब आयन विनिमय होता है, कहता है एक सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, जी हाँ, एक सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सही है हमारा, Na प्लस आयन हो स्थान पर H प्लस आयन देता है, ये भी हमारा गलत है। सही विकल्प हमारा सी वाला है, जियोलाइट जो आयन विनिमय क्षमता दर्शाता है, ठीक, वो है हमारा सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।